अब जो ये टेस्ट होता है ये कहाँ होता है? ये अल्बर्टा में बहुत सारी रजिस्ट्री हैं जो कि सारे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड काम करती हैं। लर्नर्स ड्राइवर लाइसेंस है, उसमें आपके साथ किसी एक इंसान को बैठना है जो कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तुषार और मैं रहता हूँ कैलगरी अल्बर्टा कैनेडा में। मैं बनाता हूँ इस चैनल पर रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज अबाउट लाइफ एंड लाइफ स्टाइल इन कैनेडा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके वो जो लाल रंग का बटन है उसको दबाओ, जिससे कि आपको हर वीक एक नया अपडेट और नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो यार आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ अल्बर्टा का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए कैसे अप्लाई करना है। मैं आपको बेसिकली तीन चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले कि अल्बर्टा ड्राइविंग लाइसेंस की क्या स्टेजेस हैं। नंबर टू, अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, आप PR पे आए हैं, वर्क परमिट पे आए हैं, या आप आउट ऑफ प्रोविंस कैलगरी या फिर अल्बर्टा मूव करें हैं, तो आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करोगे आउट ऑफ दोस थ्री स्टेजेस ऑफ ड्राइवर लाइसेंसिंग। और लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा और मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने। तो यार वीडियो देखिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बोला था मैं बताऊंगा आपको स्टेजेस कौन सी है अल्बर्टा ड्राइविंग लाइसेंस में। तो देखिए तीन स्टेजेस हैं। सबसे पहली जो स्टेज है वो है क्लास 7 या लर्नर ड्राइवर लाइसेंस। अब देखिए इसको लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो जो अल्बर्टा गवर्नमेंट ने बोला है, उन्होंने बोला है कि सबसे पहले तो एक एलिजिबिलिटी होती है, तो इसमें आपको 14 इयर्स या फिर 14 से ज़्यादा होना है। नंबर टू, आपको इसमें नॉलेज टेस्ट, एक ऑनलाइन टेस्ट पास करना है। अब जो ये टेस्ट होता है ये कहाँ होता है? ये अल्बर्टा में बहुत सारी रजिस्ट्री हैं जो कि सारे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड काम करती हैं, अल्बर्टा हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड काम करती हैं। तो आपको जाके ये जो नॉलेज टेस्ट है इन रजिस्ट्री में जाके बुक करना होता है और एग्जाम देना होता है। बहुत ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ कि नॉलेज टेस्ट में बेसिकली 30 क्वेश्चंस होते हैं और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें आप जो अपने क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते आप स्किप भी कर सकते हैं, बट पास होने के लिए आपको 25 क्वेश्चंस सही अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 30, तो आप ये नॉलेज टेस्ट को पास कर जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँ कि नॉलेज टेस्ट में क्या पूछा जाता है, नॉलेज टेस्ट के लिए कुछ टिप्स दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक लाइव नॉलेज टेस्ट आप लोगों के लिए दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके नीचे लिखिए नॉलेज टेस्ट मोर इन्फॉर्मेशन और मैं एक लॉन्ग वीडियो लेके आऊँगा। अब आते हैं वापस थर्ड जो कि एलिजिबिलिटी है लर्नर्स लाइसेंस की, वो है आपको विजन टेस्ट भी पास करना है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। लर्नर्स ड्राइवर लाइसेंस है, उसमें आपके साथ किसी एक इंसान को बैठना है जो कि फुल लाइसेंस यानी कि क्लास 5 लाइसेंस उनके पास है, तो वो आपके साथ बैठ सकते हैं। और इसमें भी बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, आप एक सर्टेन टाइम रात को गाड़ी नहीं चला सकते हैं, वो स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं वो क्या कंडीशंस है, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया है। सेकेंड स्टेज है प्रोबेशनरी स्टेज या क्लास 5 GDL। अब इसको लेने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, तो इसको लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, सबसे पहले फिर से बात करते हैं एज, तो 16 ईयर्स और मोर आपकी एज होनी चाहिए। नंबर टू, आपके पास जो है 1 ईयर ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब वो कौन सा ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए? आपने जो अभी स्टेज 1 में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी लर्नर लाइसेंस, तो वो लर्नर लाइसेंस पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का। उसके बाद थर्ड एलिजिबिलिटी है आपको रोड टेस्ट क्लियर करना है। अब अगेन मैं आपको रोड टेस्ट के बारे में ब्रीफली समझा देता हूँ। रोड टेस्ट बेसिकली 45 मिनट्स का एक ऑन रोड टेस्ट होगा, इसका मतलब आप कार में बैठ के एक एग्जामिनर के साथ आप गाड़ी चलाएंगे, वो जो एग्जामिनर है वो आपको असेस करेगा बहुत सारे पॉइंट्स पे, सेफ्टी पॉइंट्स, कम्युनिकेशन विद अदर व्हीकल पॉइंट्स, आप जो स्पीड साइंस है उसको ओबे कर रहे हैं, आप जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उसको ओबे कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वो आपको असेस करेगा और उसके बेसिस पे आपको वो पास या फेल डिक्लेयर करेगा। और लास्ट जो इसमें स्टेज है वो है फुल लाइसेंस या क्लास 5। तो अब फुल लाइसेंस या क्लास 5 लेने के लिए जो मैं आपको बता देता हूँ जो एलिजिबिलिटी है, वो सबसे पहले तो एज की बात कर लेते हैं। एज है 18 इयर्स और मोर। दूसरी एलिजिबिलिटी है आपके पास 2 इयर्स ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लास 5 GDL, जो कि मैंने आपको बस इससे पहले समझाया था। और लास्ट जो एलिजिबिलिटी, थर्ड एलिजिबिलिटी है, वो है कि आपका कोई भी लास्ट 1 ईयर में डीमेरिट पॉइंट नहीं होना चाहिए, या बेसिकली अगर समझाऊं तो आपका क्लीन ड्राइविंग रिकॉर्ड होना चाहिए।
तो ये तीन जब आप एलिजिबिलिटी क्लियर कर जाओगे तो आपको फुल लाइसेंस मिल जाए थे कि इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से जो आपको लेके जाने। देखिए रखिए कि सबसे पहले तो आप अपना लीगल स्टेटस क्या है आपका कनाडा में उसका आप प्रूफ लेके जाओ। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट है एड्रेस प्रूफ, वो आपको लेके जाना है, आपके ड्राइवर लाइसेंस होम कंट्री के, आपके इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट अगर आप किसी और प्रोविंस से मूव हुए हैं, अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है बैक होम कंट्री से तो आपको जो फर्स्ट स्टेज है यानी कि लर्नर लाइसेंस उसमें नहीं जाना होगा, आपको डायरेक्टली क्लास 5 GDL दे दिया जाएगा। बट वो GDL क्लास 5 GDL कब दिया जाएगा, जब आप रोड टेस्ट क्लियर कर लोगे और नॉइस टेस्ट क्लियर कर लोगे। और तीसरी चीज़ मैं इसमें बताना चाहता हूँ, जब आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो वैलिडेट कर ले अल्बर्टा गवर्नमेंट और वो कहे कि हाँ ये जेन्युइन है, तो इन तीन कंडीशंस जब फुलफिल हो जाएंगे तब आपको क्लास 5 GDL में डाल दिया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ स्पेसिफिकली लोग जो कि दूसरे प्रोविंस से मूव हुए अल्बर्टा। तो इस केस में मैं भी जैसे BC से आया हूँ अल्बर्टा, तो आप अगर वहाँ पे अपने प्रोविंस में ओरिजिनल प्रोविंस में आपके पास अगर फुल लाइसेंस था तो आपको यहाँ पे आके कोई रोड टेस्ट नहीं लेना और कोई नॉलेज टेस्ट नहीं देना, सिंपली इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस होएगा। उस केस में आपको पिछले प्रोविंस का ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर करना पड़ेगा और ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट देना पड़ेगा उनको। और उसके बाद क्या होगा, अगर वो देखेंगे कि आपकी 2 years की क्लास 5 या फुल लाइसेंस पे आपकी हिस्ट्री थी प्रीवियस प्रोविंस में, तो वो आपको क्लास 5 कंप्लीट लाइसेंस अल्बर्टा का देंगे। बट अगर आपके पास 2 years फुल लाइसेंस में नहीं कंप्लीट हुए प्रीवियस प्रोविंस में, तो आपको फुल लाइसेंस नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा क्लास 5 GDL। और आपको कब मिलेगा फुल लाइसेंस अल्बर्टा का, जब आप 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ योर क्लास 5 लाइसेंस इन द प्रीवियस प्रोविंस कंप्लीट करोगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी ड्राइवर लाइसेंस यहाँ पे कैसे वर्क करता है। अगर आपको पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, यार नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ और वहाँ पे अपना कमेंट ड्रॉप करो, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।